সততার সাথে, মানবতার স্বার্থে। রাজু বিস্ট, আজ আমারা পাস কেয়া হয় দার্জিলিং নগর পালিকা হয়, উসমে 32 সিট হয়, উসমে এক দেহান্ত হো গিয়া আর এক রিজাইন কর দিয়া হয়, তো কেয়া হতা হয় উসমে 30 হতা হয়। আজ 17 কাউন্সিলর লোক, 17 কেয়া হয় উসকা নাম হাম বোল দিয়া হয়, এক নোনন রায়, সুনীতি সরপা, বিনীতা তমাং, দীপা ঘোষ, জি সিং, মই নমিনা রাহো, উষা বিশ্ব শর্মা, বিশ্বকর্মা, গোপাল ছেত্রি, মিঙ্গু ওয়ারিয়া, বিষ্ণু প্রবীণ খালিকোটে, অনুফল হকসুপা, রফিকা গরুং, অম্বিকা শর্মা, নীলাম মুখিয়া, তর্পণ রুঙ্গা, নীরা শর্মা, গণেশ সরকা আর রানা নিপাজি, এ 17 আদমি আজ এক সাথ পে ভাজপা মে জয়েন কর গিয়া। তো কে হয় আজ সে দার্জিলিং যে নগর পালিকা হয় ইসমে ভাজপা মেজরিটি হয়, লেকিন মমতা জি কা সরকার কিয়া কর রহা হয়, ইয়ে এক সাথ কে মিলিত হোকে এক গ্রুপ বনায়া, পুলিশ কা লাগু কর দিয়া হয়, ইসকে পুস কা ঘর মে, সব কা ঘর মে, ও লেডিস লোক হয় যো লোক হয় ইসকে পাস পুলিশ ভেজতা হয়, অ্যারেস্ট করনে মাঙ্গতা হয়, গ্রেফতার করনে মাঙ্গতা হয়, পুলিশি রাজ চালু কর দিয়া হয়। তো আজ সে দার্জিলিং পৌরসভা মে ভারতীয় জনতা পার্টি মেজরিটি হয়, উসকা চুনাও কে বাদ উসকা চেয়ারম্যান নিযুক্ত হো যায়েঙ্গে। আর ইয়ে এক বাত হয়, জিস তরিকা সে পুলিশি রাজ চল রহা হয়, ভারতীয় জনতা পার্টি ইয়ে ডিসাইড কিয়া হয়, হাম লোক 2-3-4-5 দিন কা অন্দর দার্জিলিং মে কৈলাশ জি কা নেতৃত্ব মে এক বড়া প্রদর্শন করেঙ্গে। ইয়ে মমতা জি কে ইয়ে বার্তা দেনে চাইয়ে, ডেমোক্রেসি কে পিপলস কা ম্যান্ডেট আপকা খিলাফ মে তো চলা গিয়া হয়, আভি আভি জিস তরিকা সে আপ চল রহা হয় ইয়ে চলেগা, তো হোনে আলা আজ হো কাল হো পরশু হো যে অ্যাসেম্বলি চুনাও হোঙ্গে না, আপকা পার্টি কো ইয়ে অপোজিশন পার্টি কা স্ট্যাটাস মিলেগা নেই। দেখ বঙ্গাল কা লড়াই থে গণতন্ত্র বচাও কা লড়াই, আভি ভি চল রহা হয় ইয়ে গণতন্ত্র বচাও লড়াও, ইসে হম আগ্রহ করেঙ্গে। ভাই সাহেব থোড়া কুছ বলে, উসমে তো সভি হামারে হামারে সভি ভারতীয় জনতা পার্টি মে শামিল হোনে ওয়ালে পার্ষদ মহোদয় কা মে স্বাগত করতা হুঁ, রাজু ভাই ওর মুকুলদা ওর হাম তিনো হি সবকো দুপট্টা ডালকর ওর সবকো ইসকে বাদ হাম জব সবকে গলে মে দুপট্টা ডালে তো রাজু ভাই ফির ইসকা সমাপন করেঙ্গে, হ্যাঁ। Thank you.
बंगाल में सबसे ज्यादा वोटों से जीतने वाले हमारे सबसे युवा साथी भाई राजू बिश जी से मैं निवेदन करूंगा। राजू बिश जी अपनी बात कहें। आप सबका नमस्कार। अब मैं दार्जिलिंग क्षेत्र से आता हूं तो एमपी होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि जो मेरे क्षेत्र में हो रहे अत्याचार है उसका थोड़ा सा वर्णन मैं आप सबके सामने रखूं। इनफैक्ट मैं ये भी चाहूंगा कि जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है उनको एक बार दार्जिलिंग पहाड़ जाना चाहिए और वहां पे हो रहे अत्याचार को अच्छे से पूरे हिंदुस्तान में उस चीज को उजागर करना चाहिए। 11 लोगों को शहीद कर दिया गया 2017 में और उसके बाद जो एट्रोसिटी पुलिस की है वो आज तक चली आ रही है। मुझे ये बताते हुए दुख होता है, कल भी शाम को एक महिला घर से पकड़ के थाने में उसको ले गए, यानी महिलाओं को भी नहीं छोड़ा, बच्चों को नहीं छोड़ा, पुरुषों को नहीं छोड़ा। इवन आप ये समझ सकते हैं काउंसिलर जो बातें दार्जिलिंग में रख सकते हैं उसके लिए उनको दिल्ली तक आना पड़ा। तो आप इससे समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा पुलिस की एट्रोसिटी दार्जिलिंग पहाड़ में है। वो जो क्षेत्र बंगाल को सबसे ज्यादा टैक्स कलेक्ट करके देता है 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा, टोटल बंगाल का बजट मेरे ख्याल से 85,000 करोड़ के आसपास है और सबसे ज्यादा अत्याचार नॉर्थ बंगाल और पार्टिकुलरली दार्जिलिंग क्षेत्र में होता है। मैं चुनाव के दौरान बहुत सारे गांवों में और बहुत सारे क्षेत्र में गया और ये अत्याचार दिन ब दिन मैं देख रहा हूं बढ़ता जा रहा है। और जैसे जैसे चुनाव आया, चुनाव के नतीजे आए, उसके बाद 29 तारीख से हर दिन हर घर में जाकर के पुलिस वाले 2-4 लोगों को उठा रहे हैं और किसी ने कोई केस नहीं किया, किसके ऊपर में कोई भी जुर्म भी नहीं है, उसके बावजूद भी ये अत्याचार हो रहा है। 29 तारीख को हमारे ही जो अलायंस के पार्टनर है बीपी बजगाई, जिन्होंने चुनाव में मेरे को बहुत हेल्प किया था, उनको भी उठा लिया, अभी वो जेल में है और उनके ऊपर में ऐसी ऐसी धाराएं लगा दी, आर्म्स एक्ट, अटेम्प्ट टू मर्डर, इस तरह की जो है धाराएं उनके ऊपर में लगा दी जबकि वो बेकसूर है, इनोसेंट है। और यही सब धाराएं महिलाओं के ऊपर भी लगाया जा रहा है और मैं खुद एसपी को फोन करता हूं, आईजी को फोन करता हूं, उनके तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं है क्योंकि दीदी का इंस्ट्रक्शन है जितना ज्यादा अत्याचार आप पहाड़ में करोगे उतने ज्यादा नॉर्थ बंगाल के अंदर में टीएमसी को जो है उनको प्रमोशन मिलेगी। तो ये सब अन्याय हो रहा है, मैं चाहूंगा आप सब मीडिया आए और दार्जिलिंग की स्थिति को समझे। इसके बाद देखिए जितने भी बोर्ड है हम सब बोर्ड के कलर चेंज कर देंगे। आज जो टीएमसी लेड बाय विनय तामंग गुट है ये सब हम कलर चेंज कर देंगे। ये तो सिर्फ अभी शुरुआत है, दार्जिलिंग के हैं, इसके बाद बाकी कालिम्पोंग है, खरसंग है, मिरिक है, ये सब भी जो है भारतीय जनता पार्टी, हमारे को कोई भारतीय जनता पार्टी ही हो ऐसा आवश्यक नहीं है, लेकिन हम ये देखते हैं जो अपने क्षेत्र के लिए अपने लोगों के लिए जो काम कर सकता है उनको अधिकार होना चाहिए म्युनिसिपैलिटी में रहने का। इसके साथ साथ लास्ट में एक बात ये जरूर रखना चाहूंगा, देखिए आज पीपल का मैंडेट या वॉइस ऑफ पीपल जो हम कहते हैं वो भारतीय जनता पार्टी और अपने जो जीजीएम ओरिजिनल है, जीएनएलएफ है, हमारी अलायंस पार्टी के साथ है। तो नैतिकता के आधार पे आज जीटीए को डिसॉल्व करना चाहिए क्योंकि जीटीए में जो है वो इलेक्टेड नहीं बैठे हुए हैं, आज सेलेक्टेड लोग जिनको दीदी ने चुन करके कुर्सी पे बिठाया वो लोग राज कर रहे हैं और वो अत्याचार कर रहे हैं और बहुत सारा पैसा केंद्र से करीब 300 करोड़ और बंगाल सरकार से 300 करोड़ 600 करोड़ सालाना जाता है लेकिन उसके अंदर में सारी धांधली हो रही है, करप्शन हो रहा है। और मैं तो चाहूंगा अपने सीनियर से उसका भी ऑडिट होना चाहिए और उसका कोई ना कोई जो है नतीजा जरूर हम सबके सामने निकलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों एक जानकारी और देकर मैं अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। आप सब जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में लोकसभा की 18 सीटें हम जीते हैं और इस जीत के बाद से ही हम लगातार देख रहे हैं कि
মমতা জি কাজ ব্যবহার সামান্য নই এক অসামান্য ব্যবহার মুখ্যমন্ত্রী রূপ মে সারে দেশ পহচানি যা রই চাহে প্রধানমন্ত্রী হো চাহে সুপ্রিম কোর্ট হো চাহে চুনাব আয়োগ হো চাহে নীতি আয়োগ হো কি মাননে তৈর নই কল তো এক তুগলকি ফরমান জারি কর দিয়া কি ভারতীয় জনতা পার্টি কে কার্যকর্তা বিজয় জুলুস নই নিকালেঙ্গে ডেমোক্রেসি মে এক পরম্পরা রই হ্যাঁ কি যো উমেদার জিত যা হো বাদ মে ধন্যবাদ দে জনতা কে বীচ মে যা হ্যাঁ ক্যা এই অধিকার কি পোলিটিক্যাল পার্টি ছিনা যা সকতা হ্যাঁ পর ওস প্রকার বিজয় জুলুস কো নিকালনে মে অনুমতি নী দে অভি দিনাজপুর জেলে কে অন্দর আমারে কার্যকর্তা ধন্যবাদ যাত্রা নিকাল রে থে লাঠিচার্জ ভি হুয়া কাফি কার্যকর্তাওঁ কো চোটে আই হ্যাঁ আর ইস প্রকার কি দমন কি কার্যবাহী এ পশ্চিম বঙ্গাল মে চল রই হ্যাঁ সরকার কি ইস অপ্রজাতান্ত্রিক কার্য কি হাম নিন্দা করতে হ্যাঁ আর হাম ইয়ে ভি চাহতে হ্যাঁ কি ওয়াহাঁ পর কিসি প্রকার কি কোই শান্তি নহিঁ হো অশান্তি নহিঁ হো পর যদি ও ইস প্রকার কি অপ্রজাতান্ত্রিক কার্য করেঙ্গি আর তো হাম প্রজাতান্ত্রিক তরিকে সে উসকা বিরোধ ভি করেঙ্গে এই জানকারি দেনা থি বহুত বহুত ধন্যবাদ Please like, subscribe for more information and news and click the bell icon for notifications. Ahira Bangla News.